उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से जहां के चोपन में मिड डे मील में अनियमितता का एक मामला सामने आया। बच्चों को मेन्यू के मुताबिक खिचड़ी और दूध देना था। दूध देते समय एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाया गया। तस्वीर देखिए आप, 81 बच्चों में फिर इस दूध को बांटा गया, मिलावटी दूध को। बाद में जब अधिकारियों तक सूचना पहुंची तो दोबारा बच्चों को दूध बांटा गया। ABSA ने प्राथमिक स्कूल सलीब नवाग पर पहुंचकर दोषी शिक्षा मित्र को कार्यमुक्त कर दिया। दूध में पानी मिलाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने इसको देखकर एक तरीके से, हम कहें कि एक तरह से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। कुछ महीने पहले मिर्ज़ापुर में भी मिड डे मील में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को नमक और रोटी दिए जाने का मामला सामने आया था। तो यूपी के सोनभद्र से मिड डे मील में अनियमितता का मामला सामने आया। किस पद पे हैं? तो ये बताइए कि कल क्या हुआ था, कितना दूध था? सर दूध तो एक लीटर पहले से था। अब दालों को मालूम नहीं था, सर बैठे लेने डाला तो बाद में लेकर आया, तब तक यहाँ गरमा दी थी। एक लीटर था। कितने बच्चों को पिलाया उसमें? 81 बच्चे थे, सभी लोग पिए वो बात, लेकिन फिर पुनः फिर लाया तो फिर से गर्म होकर फिर पिलाया गया। कितने बजे? 2:30 बजे करीब। फिर दोबारा भी पिलाया। लीटर वाली जो पैमाना आप बता रहे हैं, लीटर पैमाना वो होता है जब लिक्विड दूध हो। यहाँ पैकेट का दूध था, और मैंने परीक्षा की है माँ समूह के लोगों से भी, जो यहाँ रसोईया हैं और उन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि यहीं के लोकल लोग हैं। तो उनका ये कहना है कि हमेशा दूध मिलता है सर, इत्तफाकन यहाँ चूँकि दूध की अनुपलब्धता के कारण शासनादेश है कि जो दूध जो अनुमन्य है खाद्य पदार्थों में पैकेट का, उसको पानी मिला के उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है एक संतुलित मात्रा में जल का। तो इत्तफाकन एक ही डिब्बा था, वो चले गए थे अध्यापक, जैसा कि मुझे बताया गया है। अभी जो बयान इन लोगों का मैं लूँगा और अन्य पहलुओं पर भी जाँच करूँगा, तो वो इत्तफाकन लेने गए थे। इसी बीच जो है कुछ यहीं के लोग इस चीज़ को जो है पानी मिला के या कैसे ज़्यादा उस चीज़ को मीडिया में देना या उसको फोटो खींचना, खींच के मीडिया में देना, इस तरीके की। तो क्या लगता है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया? ये मैं नहीं कर सकता, ये जांच उपरांत, और जो भी अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित हो सर जांच कमेटी इसके लिए।